कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कमर कस ली है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर की पूरी बिल्डिंग को कोविड 19 अस्पताल में तब्दील करने का फैसला लिया गया है। खबरों के मुताबिक ट्रॉमा सेंटर को कोविड 19 अस्पताल में तब्दील करने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पीटीआई को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में शुरू में 250 बेड बनाए जाएंगे ताकि कोरोना वायरस के मरीजों को उचित इलाज दिया जा सके। एम्स प्रशासन बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा करने वाला है। खबरों के मुताबिक ट्रॉमा सेंटर की कैजुअलिटी और पूरी इमरजेंसी को एम्स की मेन इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि ट्रॉमा सेंटर में एक से एक गंभीर मामलों का इलाज किया जाता है। ट्रॉमा सेंटर खासकर दुर्घटना के मामले में निपटाता है। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक ट्रॉमा सेंटर के मरीजों को एम्स हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में भेज दिया गया है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में 242 बेड है, जिनमें 18 बेड और जोड़ने की तैयारी है। इन कुल बेड में 50 आईसीयू के लिए है, जबकि 30-40 बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए है। इस सेंटर में अभी 70 वेंटिलेटर्स हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार जरूरतों को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए और कोविड 19 के मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए एम्स ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से कैसे खतरा पैदा हो सकता है, इसको देखते हुए कई कमेटियां बनाई गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।